ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है आप सब में से इतने सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये किफिन और जो उसके व्यापार प्रोडक्ट्स हैं तो इन दिस दिसर वीडियो आई वांट टू एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स कुछ कॉम्बिनेशन लेने का सही तरीका द बेस्ट टाइमिंग बिकॉज आपने से काफी सारे लोग हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं आई थिंक कभी कभी आपके मन कन्फ्यूजन होता है कि भाई कब लेना है कैसे लेना है क्यों लेना है सबसे पहले आई वांट टू विद वो स्टाराफिन मल्टीवाइटमिन स्टर्माफिन मल्टीवाइटम हमारा जो सबसे 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 ज्यादा

भी उसको बेटर अब्सॉर्ब करती है जब आपका इंसुलिन लेवल थोड़ा हाई होता है ऑलराइट एवरी सिंगल डे सेम मील पे स्टिक करेंगे तो बेटर है तो अगर आपने लंच पे शुरू कर दिया तो लंच पे ही लो डिनर पे की तो डिनर पे ही दो इसकी डोजेज है दो टैबलेट्स ओके okay? सो so, ऐसे नहीं करना कि आपने एक सुबह खाली शाम को खा ली आपको दोनों साथ में ही लेनी आपकी जो डोज है वो दिन में है चार टैबलेट्स आप इसको दो टैबलेट्स लोग आधे घंटे के लिए कुछ नहीं खाओगे जब इसको शाम को लोगे अगेन सेम चीज शाम को आप लोगे लोग डोजेज दो टैबलेट्स अगेन इसके आधे घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है, आधे घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना और राइट हर एक प्रोडक्ट की हर एक हाफ लाएफ। हाफ लाएफ मतलब एक चीज होती है शरीर में जाती है कुछ घंटों के लिए आपके मेटेबलिज्म को बढ़ा के रखती है तो आपने जब सुबह खा लिया दो टैबलेट उसके बाद आप जब और चारों घंटे के बाद खाओगे उसमें थिंग्स अगर आप इसकी जब डोसेज ले रहे हो वन थिंग टू माइंड आपके दोनों डोसेज के बीच में

ऐसा इतनी सारी गोलियां खा रहे हैं इतनी सारी टेबलेट्स खा रहे हैं क्या हम चीज को कंबाइन कर सकते हैं थिंक इज द रीजन दीजा इन टू टैलेट एंड गोलिया रीजन में गोखरू है तो अश्वगंधा है, है शीलाजी है ऐसी, ऐसी चीजें मैं आपको बोल सकता हूँ आप इसके टू थ्री ग्राम्स दे लो पॉइंट फाइव ग्राम दे लो वो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है रीजन वी डू कैलकुलेट करके इन कैप्सूस में डाली गई है तो इट जिस दूसरी बात आती है काफी लोग होते इतनी सारी चीजें कंबाइन कैसे कर सो आई एच डोट नो वाई दैट डाउट आप जो खाना भी खाते हैं आप हर मील में सैलड खाते हैं दाल खाते हैं दही खाते हैं, हैं राइस खाते हैं चपाती खाते हैं सो योर बॉडी एनी वेज यूज टू हैब्जॉर्शन होती है देखो हमारे मन में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि टैबलेट्स है हम ऑनस्टली स्पीकिंग उसको पाउडर में भी बेच सकते थे बट

आप उनको खाली पेट ले सकते हैं आप उनको खाने के साथ ले सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द मल्टीवाइटमिन बिकॉज ये अगर आप खाने के बाद हमेशा लोगे आपका अब्जॉर्ब्शन आपकी बॉडी में मच बेटर होगा तो ये तो थी हेल्थ की बात अब बिकॉज इसमें से दो प्रोडक्ट तो स्ट्रॉगर और आजनीन सेक्सुअल हेल्थ से भी रिलेटेड है मैं आपको आजनीन तो और गोडपीट के बारे में बताओ अच्छा हर कॉम्बो में हमारे का वाग वाग speaking, आपकी मल्टीपाइटम लेवल जब अच्छे होते हैं आपको समझा आप में से काफी लोग पूछते हैं इनको साथ में कैसे लेना है आप ये दोनों चीजें ज्यादातर बॉडी बिल्डिंग के लिए फिटनेस के लिए ले, ले और इसका पॉजिटिव बेनिफिट ये भी है कि आपकी सेक्शुअल को मदद करता है होनी गोटवीट तो एक्चुअली कैसा प्रोडक्ट जो आपके सिर्फ पोपो के लिए है तो ये बनाया गया है उसके ये मैंने आपको बता दिया खाने के बाद दो कैप्सूल आज आजनीन आप कभी भी ले सकते हो डोजेज सारी प्रोडक्ट्स की डोजेज उस जिसपे क्लियरली लिखी हुई है इज समथिंग जब आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा एक टाइम पे ज्यादा पोपो कर रहे हो ज्यादा आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी चल रही है उस टाइम पे आपको लेना है अगर आपको लगता है कि आपको छोटा भाई ज्यादा खराब नहीं होता और ये बेसिकली लड़के और लड़कियों के लिए सो दिस इज हेल्थ प्रोडक्ट जो कि लड़के भी यूज कर सकते हैं और लड़कियां भी यूज कर सकते हैं यू कैन एक्चुअली यूज दिस एट एनी टाइम ये जनरली आपके सिस्टम में जब जाने लग जाता है

इसको लेने का तरीका इसकी डोसेज ऑब्वियसली पे लिखी हुई है ये हमारे सिर्फ एक लौटा प्रोडक्ट है जिसकी डोसेज ऐसी कि आपको एक कैप्सूल लेनी है दिन में तीन बार और राइट इसको आप खाने के पहले खाने के बाद खाने के बीच में कभी भी ले सकते हो तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है सिर्फ आपको तीन कैप्सूल लेनी है मतलब आप ऑब्वियसली वो तीन कैप्सूल ऐसे लोगे कि आप उस टाइम को इक्वली डिवाइड कर देना बीस पच्चीस दिन में जो आपने उसके पास यूज करते आपके करतेमोस रेगुलेट होने लग जाते हैं आप देखिए आपका बॉडी हेयर कम होने लग गया है फैट बोर्नर so इनकी इंडिविजली जैसे डोजेज है आपको एक्जैक्टली वैसे ही लेने आप ये दोनों प्रोडक्ट्स भी ले रहे हो आप इसकी डोजेज मैंने आपको बताया आप वैसे ही लोगों लो डिफरेंस so अगर आपको साथ में ले रहे हो नहीं साथ में ले रहे हो Just make sure कि ये खाली पेट हो कि आप कभी भी ले सकते हैं नाउ लेट कम टू बायोटेन जो हमारा एक्चुअली ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने से बहुत सारे लोग यूज करते हैं ये हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है ये एक डब्बा आपको साठ दिन चलता है बिकॉज इसमें से आपको सिर्फ एक टैबलेट दिन में खानी है इसमें टेन थाउजेंड एमसीजी बायोटेन है और थ्री हंड्रेड फिफ्टी एम जी है तो आपको इसका सिर्फ एक टैबलेट खानी है दिन में अगेन खाने के पहले खाने के बाद ये वो कोई फर्क नहीं पड़ता है डे ट्राई कीजिए ऐसे करने में अगर आप कुछ तो लंच के बाद खाए या आराम दोपहर में खाए तो उसी टाइम पे आप खाओ अगर मैंने आपको हाफ लाइफ एक्सप्लेन कर दी है हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि जितने टाइम वो आपकी बॉडी में रहता है तो अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में खाते हो तो आप रोज ब्रेकफास्ट में ही खाओ बहुत सारे लोग सर्बाफिन का मल्टी वायटमिन यूज करते हैं और सरबाफिन का वायटमिन साथ में यूज करते हैं मेरे नॉर्मली सारी डोसेज मेरी लंच के बाद होती है लंच के बाद मैंने इसकी दो कैप्सूल्स खा ली और इसकी कैप्सूल खा लिया फाइन बट एक्चुअली स्पीकिंग लाइक ये हमेशा खाने के बाद लेना है बट इसको आप कभी भी ले सकते हो ओके लेट्स कम टू द पेट की प्रॉब्लम दो ऐसी चीजें हमारे दो प्रोडक्ट्स एक है नुस्फ़ेबाज का पायल्स और एक है लैक्सेटिव पायल्स उन लोगों के जिनको बेसिकली है अगर आपको पायल्स की बीमारी है आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है बेसिकली जो आपकी एनल ग्लैंड है वो स्वेल हो चुकी है ये आपको बहुत

बट टेस्टोर टेस्टोस्टर में फर्क सिर्फ ये टेस्टो स्ट्रॉ एक ब्लेंड है टेस्टोट्रॉगर उसका चिलपिल अगर आपको सोने की दिक्कत है सो अगर आपको नींद नहीं आती अगर आपको एंग्जाइटी है स्ट्रेस है तो आप चिलपिल ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं काफी टाइम से पहले चिलपिल ले रहा था मैंने इसको पंद्रह बीस दिन लिया मेरी स्लीप साइकिल रेगुलेट होने लगी थी तो बिल्कुल सही समय पर सोने लग गया था काम था स्ट्रेस नहीं था मेरी लाइफ में तो शुरू करने वाला पिछले तीन चार दिन से अगर मैं रात को सो नहीं पाया सोनी चिल पे लेने का बहुत ही आसान तरीका है आप जिस भी टाइम सोना चाहते हो उसके एक घंटे पहले आप दो टैबलेट ले लोगे अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने खाना खाया है नहीं खाया है आप खाली पेट हो आप दो टैबलेट ले लोगे सोने के एक घंटे पहले उससे क्या होगा कि धीरे धीरे छह दिन में आपकी बॉडी की जो स्लीप साइकिल है वो रेगुलेट होने लग जाएगी जिसका मतलब आपको नींद एक सर्टन टाइप पे आने लग जाएगी ये ऐसी गोली नहीं है कि आप उसको खाके नॉक आउट एकदम से हो जाओगे कि आपकी स्लीप साइकिल को ठीक करने लग जाएगा तो वो तो स्लीप का कनेक्शन है।, है जो इसमें दूसरी चीज है जो एग्जाइटी स्ट्रेस अगर आपको चिड़चिड़ापन होता है बहुत ज्यादा एंशियस महसूस करते हो बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस करते हो देन यू स्टार्ट टेकिंग फॉर करो दे ट्वेंटी डेज फिर आपके जो जनरल लेवल्स हैं आपके लेवल्स वो रेगुलेट होने लग जाते हैं आप में से काफी लोगों ने मुझे चिलफिल के बारे में पूछा कि अगर आप ऑलरेडी कोई डिप्रेशन की मेडिकेशन ले रहे हो एंग्जाइटी की मेडिकेशन ले रहे हो क्या

काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जो मेडिकेशन है इतनी सारी है, लगता है कि बहुत ज्यादा है बट बीन जब खाना भी खाते हो आप चार रोटियाँ खाते हो थोड़ी दाल खाते हो थोड़ी सब्जी खाते हो सबकी क्वांटिटी ज्यादा जो कैलकुलेट की गई है, वो है कि आप लें। तो आपको जो भी कभी डाउट होता है क्लियरली हमारी वेबसाइट डॉट कॉम पर एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं प्रोडक्ट्स परिंक यूजनते फिलहाल रनिंग हमारे सारे न्यूट्रोसूटिक्स पे मतलब जितने भी टैबलेट्स मैंने आपको दिखाई इन सब चल रहा है। अगर आप, आ, प्रोमो यूज़ करोगे, की आप में से काफी जो क्वेश्चन थे कि क्या यूज करना है कैसे यूज करना है कब यूज करना है आंसर हो गए हो फिर भी कोई सवाल है तो कॉमेंट्स में लिख दीजिएगा अगेन जो एक चीज मुझसे पूछी जाती है साइड इफेक्ट्स मैंने आपको क्लियरली हर हर प्रोडक्ट के बारे में जब अलग वीडियोज बनाए गए हैं मैंने आपको समझाया है कि इसमें ऑब्वियसली साइड इफेक्ट नहीं है स्टिक टू द डो इज साइड इफेक्ट्स की बात ऐसी होती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप चिल्पे ले रहे और आपने बहुत ज्यादा लेने लग गए तो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स होंगे अगर आप लिवर डिटॉक्स लीवर रहे हो बहुत किसी भी चीज का अगर आप पानी है जो आप रोज पी अगर आपने पानी बिल्कुल नहीं पी आपको डिहाइड्रेशन होगा अगर आपने पानी बहुत ज्यादा पी लिया आप फेंट हो जाओगे बिकॉज आपके ज्यादा मिनरल्स निकल जाएंगे नमक आपने ठीक मात्रा में खाया तो ठीक है अगर नमक आपने बहुत ज्यादा खा लिया तो आपको ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएंगे पालक आपके लिए बड़ा अच्छा होता है पालक लेकिन एक दिन में बहुत ज्यादा खादी आपको सीधा लूज मोशन हो जाएंगे मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज हर चीज का एक डोजेज होती है जो हमने अच्छे से सेल्कुलेट होगी so like अगर आप इसकी डोज अच्छे से फॉलो करेंट्स की तो नो no प्रॉब्लम कोई भी चीज अगर आप गलत मात्रा में ले रहे हैं फिर तो हर चीज के साइड इफेक्ट है ऑक्सीजन जो हमको लगता है अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो जाए बहुत ज्यादा यू कैन गेट लाइट हेडेड आपको इलूजन होने लग जाएंगे सो आई होप यू अंडरस्टूड लॉट ऑफ दिस अगर कोई और सवाल है फिर भी तो लिख दीजिएगा एंड अगेन यूज द प्रोमो कोड पायरस की दवाई आपको बीस परसेंट ऑफ मिल जाएगा लव यू गैम स्टेड एंड बिग